तुझे न मानूंगा, बहुजन के कैसन तेरी धार हो, बहुजन के कैसन मेरी धार हो। हेलो 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 इस भारत भूमि में महान से महान संत आए, हमारे महापुरुष आए, जितने भी महापुरुष हमारे आए 85% के हर महापुरुषों ने जन कल्याण का काम सोचा कि इस देश में जो जाति व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, पाखंड की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए, लोगों में समानता आए, मानव मानव एक समान हो, ना कोई यहाँ नीचा रहे ना कोई ऊंचा रहे, ऐसे महान विचार वाले हमारे महापुरुष महामानव तथागत गौतम बुद्ध थे। लेकिन महापुरुषों के विचारों को आज लुप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस भारत भूमि में जितने भी देवी देवताएं हैं, कोई देवी देवता आज तक अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाए, सारे देवी देवताओं के हाथ में छुरी है, कटारी है, हथियार है, लेकिन अगर भाई देवता हो, भगवान हो, सारे जन कल्याण की बात करते हुए, तो फिर हथियार रखने की क्या बात है, हथियार रखने की क्या जरूरत है। अगर भगवान में वो शक्ति होती तो सारे लोगों को वो ज्ञान से ही लोगों को सही रास्ते पर ले आते। यही काम किए हमारे महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने, यहाँ के लोगों को सुधारने के लिए, इस भारत के लोगों को सुधारने के लिए उन्होंने ज्ञान का प्रयोग किया। वो कभी हथियार नहीं उठाए,
जिनको भी सुधारना था उन्होंने अपने विवेक बुद्धि से लोगों को तर्क वितर्क के आधार पर सही रास्ते दिखाकर सुधारे। लेकिन आज देखिए हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, वेद शास्त्र हैं, सभी ने हत्या लूट मार काट बलात्कार यही सब की दास्तां भरा पड़ा हुआ है, जिससे हमारे लोग उसी वेद को पढ़ते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और फिर वही रास्ते पर चलते हैं। भाई भाई को करता है, एक दूसरे का धन लूट रहा है, माताएं रहने का बलात्कार हो रहा है। ये है धर्म की देन, लोग धर्म के आधार पर ये सब सीखे हैं। आज जितने भी बलात्कार हो रही है मंदिर में, ये भगवान तमाशा देखते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है कि वैसे पुजारियों को दंड दे पाए। पुजारी भगवान के सामने बच्चियों का बलात्कार करते हैं, लेकिन ये हमारे मूल निवासी साथी दिनेश विश्वकर्मा जी की तरफ से सिग्ना जी, वहां के रहने वाले हमारे दिनेश विश्वकर्मा जी की तरफ से 11 रुपया आया है। भाई साहब 12 रुपया ठीक है, 11 रुपया तो मैं 1 रुपया वापस दे देता हूं। सारे व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने देखे कि यहाँ के मूल निवासियों के धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है, अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, यहाँ के मूल निवासियों को गरीब बनाया जा रहा है, लाचार बनाया जा रहा है, बेबस बनाया जा रहा है। तब इन्होंने ज्ञान प्रचार का माध्यम चालू किया और अपने भिक्षुओं को जन जन तक पहुंचा करके लोगों में जागृति लाने का काम किया। यही काम हमारे संत कबीर, संत रैदास, संत निशादास, संत तुकाराम, जितने भी संत हुए सारे लोगों ने महामानव गौतम बुद्ध के विचारों का भी प्रचार किया, अपने अपने तरीके से किए। जितने भी हमारे संत महात्मा लोग आए, अपने अपने तरीके से लोगों में जागृति करने का काम किए। संत रैदास महाराज ने महामानव तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर के निर्गुणवादी व्यवस्था का कायम करके लोगों में वो ढोंग पाखंड आडंबर के विरुद्ध काम किए, लोगों में जागृति लाने का काम किए। लेकिन ये मनुवादी व्यवस्थाओं को रास नहीं आया और उन लोगों ने हमारे संत शिरोमणि रैदास महाराज की हत्या करवा दी। आज भले ही हमारे भाई लोग जो नहीं जान रहे हैं संत कबीर, संत रैदास जी का हत्या कैसे हुई है और उनके हत्या को ना जान करके उन्हें एक सत्पुरुष मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, यही तो काम होते आया है हमारे लोगों में। अगर कोई आंदोलनकारी आगे बढ़े, लोगों में वो जागृति लाने का काम करे, उस आंदोलनकारी को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद उस आंदोलनकारी का महिमा मंडन शुरू होता है और उनके जितने अनुयायी रहते हैं उन अनुयायियों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई ये तो भगवान थे, ये भले दुश्मन अपने आप को उस समय नीचा
जो महापुरुष थे उनको भगवान बना देगा, इसलिए क्योंकि वही उस भगवान उन्हें बना करके आपको उनको पूजा कराने में लगा देगा। उसके बाद क्या है, आप अपने महापुरुष का विचारधारा भूल जाएंगे, उनका क्या कारवा था ये भूल जाएंगे, फिर उन्हें भगवान की तरफ पूजना शुरू कर देंगे। यही तो चलता आया है, यही करवाता आया है हमारे लोगों के साथ। ज्ञानी के दारिया में उसके आवाज मुझे ठीक से सुनाई दे, लगता शायद साउंड इधर ही ज्यादा आवाज है और मुझे ठीक से अपनी आवाज ही नहीं सुनाई देती है। हेलो 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 बहुजन सारे बने बेचारे दर दर ठोकर खाए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे बहुजन सारे बने बेचारे दर दर ठोकर खाए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमारे 85% के लोग आज अपने अपने जाति पर गर्व करके, जाति पर गर्व करके बिखरे हुए हैं। कोई नहीं कह रहा है कि हम ग्वाला से बड़े हैं, ग्वाला कह रहा है कि हम दुसाद से बड़े हैं, दुसाद कह रहा है कि हम चमार से बड़े हैं। भाई जिन जातियों में लोगों दुश्मनों ने विभक्त किया है हमारे लोगों को, ये उसकी अकल नहीं आ रही है ठिकाने में कि हमें सबसे पहले दुश्मनों ने वर्ण में बांटा। हमारे हिंदू समाज में 4 मंजिला मकान जो बनाया गया है, वो 4 मंजिला मकान में सबसे पहला ऊपर का ऊपर तल्ला जिसको कहा जाता है वो है ब्राह्मण। दूसरा मंजिला जो है, दूसरा तल्ला जिसको बोला जाता है वो है क्षत्रिय। तीसरा मंजिला जो है वो है वैश्य, और चौथा मंजिला जो बना वो है शूद्र सबसे नीचे। और ये हिंदू व्यवस्था में जो 4 वर्ण बना, इस 4 वर्ण में से जो वेस्टेज बचा जिसको बोला जाता है कचरा,
उस वेस्टेज को एक साइड में रख दिया गया, उसी का नाम आज है एससी अछूत। अगर हिंदू धर्म की बात हम करते हैं तो इन चारों वर्णों में से अगर एससी समाज है तो हिंदू नहीं है, अगर हिंदू रहता तो उसे हिंदू व्यवस्था के सारे चीजों में भागीदारी मिलती, लेकिन हमें हर चीजों से वंचित किया गया है, इसलिए हमारे लोग हिंदू नहीं है। ये चारों मंजिला मकान में ना सीढ़ी है, ना दरवाजा है, ना खिड़की है, कुछ नहीं है। जो जिस मंजिला में जन्म लिया उसी में वो मरेगा, ना वो ब्राह्मण से क्षत्रिय बन सकता है, ना क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकता है। ये है हमारे हिंदू वर्ण व्यवस्था का तरीका, इसको समझने की जरूरत है भाई। आगे बढ़ो अपने हक पे लड़ो, मांगने से काफी हक मिलता नहीं, मिलता नहीं वो मेरे बहुजनों सब। आगे बढ़ो अपने